पानी में पढ़ाई गए तब गिटार गिर गई, बहुत तकलीफ बा। अभी सड़क तो देखा था बैठी बा, और नाला पाए ऊंचे भरा रहता है तो आधा रोड भरता है, अगर हाँ ज्यादा बारिश होती है पूरा रोड भर जाता है, लमसम एक फुट पानी भर जाता है। सफाई कभी होती नहीं है, पानी ऐसे सब भरा है कचरा चढ़ा। अरे आज दसों साल हो गए सड़क में, दसों साल से परेशान है भाई। और ये है और नाला मतलब अति आवश्यक बने चाहिए, ओकरे बाद जान लो आप इतनी बहुत भ्रष्ट है। अच्छा हाँ, इसकी सफाई हमें लगता है साल भर से नहीं हुई। दादू क्या कहना चाहते हैं नाला को? हाँ नाला बन जाए बच्चा। अच्छा हाँ नाला बन जाए, बड़ी तकलीफ बाय, नान नान बच्चे गिर पड़ती है माँ पानी में, पढ़ाई गए तब गिटार गिर गई, बहुत तकलीफ बाय बच्चा। कितने सालों से परेशान? दो चार साल हो गया पानी। अच्छा अभी सड़क तो देखा था बैठी बा, हाँ। और नाला पाए ऊंचे पाए। अच्छा और वहर का पानी यहाँ यहाँ सड़क होते ना नाली वहर आगे बांध है। अच्छा वो कहा था हमारे मुहारे पानी ना जाए। अच्छा तो कहाँ जाए बच्चा? तो नाली में नाला में जो पानी भरा रहता है कितने दिन तक भरा रहता है? वो अब देख लिए भरा बाग ना है, भरा बाग देखा पानी भरा बाग ना है, अब और बरसे तो और भरे। अच्छा हाँ तो मतलब कि थोड़ा पानी बरसने से होता है कि ज्यादा पानी? ज्यादा भरे तब और रहा था, थोड़ा भरा तब वो पानी देखा वो भरा बाग नहीं। कहाँ तक भरता है? पूरा वहाँ तक सड़क तक? हाँ या जोनिया खोदी नहीं या ऊपर गिरी तक का पानी रहा था। पानी जब पानी बहा था चला का समाने का ना वहर का तब का ना का खाली भवा मजे मजे। अब एक काल परसों तक का पानी भरा रहा जी। आइए कुछ लोगों से और पूछते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं नाला को लेकर काफी लोग परेशान होते हैं और नाला काफी ज्यादा दिन से खराब है, भैया एक बार फिर से बताइएगा नाला में कितने दिन से आप परेशान है नाला को लेकर? 4-5 साल से भैया, 5 साल से जी। कितने थोड़ा पानी बरसने से कहाँ तक पानी भर जाता है? थोड़ा अगर पानी भरा रहता है तो आधा रोड भरता है, अगर हाँ ज़्यादा बारिश होती है पूरा रोड भर जाता है, लमसम एक फुट पानी भर जाता है। एक फुट जी, और 3-4 दिन तक भरा रहता है पूरा। नाला में नाला पूरा भर जाता है, आगे नाला है ही नहीं है ना, नाला का निकासी कहीं है नहीं। नाले में कुछ पत्थर हट गए हैं यहाँ के, उसके बारे में क्या? सफाई कभी होती नहीं है, पानी ऐसे सब भरा है, कचरा छड़ा सब भरा है भैया। कभी इसमें कोई मतलब शिकार हुए हैं इस नाला को लेकर के नहीं? हाँ 2-3 लोग गिर भी गए इस नाले में, पत्थर वत्थर सब गिर गया है। अच्छा हाँ कई लोग गिर भी गए इसमें। यहाँ पर सफाई फाई जब से भला नहीं हुआ है? नहीं सफाई फाई कुछ नहीं। दादा आप क्या कह रहे हैं नाला को? हाँ यही बात है भाई, जो कह रहे हैं वही बात सही है। कितने सालों से आप परेशान हैं नाला को लेकर? अरे आज दसों साल हो गए सड़क में, दसों साल से परेशान है भाई। और क्या, चलिए यहाँ पर देखिएगा नाला को लेकर काफ़ी लोग परेशान होते हैं और नाला की बात करते हैं, भैया एक बार और बोल दीजिएगा थोड़ा सा। नालों को लेकर जिस तरह देखा जा रहा है काफ़ी सालों से लोग परेशान हैं, कुछ बच्चे शिकार भी हो चुके हैं, यहाँ के लोगों का कहना है क्या कहेंगे इसके बारे में? भैया बहुत विषम प्रगति है और नाला मतलब अति आवश्यक बने चाहिए, ओकरे बारे जान लो आप इतनी असुविधा बा कि कुछ की ना जा सकत हो। मैं अच्छा। हाँ तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है कि नाला को लेकर? कोई नहीं, टोल प्लाजा स्टाफ पहले उठो रहे थोड़ा बहुत साफ सुफ कर रहे, वह ना करते अब साल भर से दोनों काम ना भाव, ओकरे बाद नाला के बारे में बहुत चर्चा ना कहें कि जब सभी का है तो बजट आवे तो बन जाए। अच्छा बजट का बात किया जा रहा है? हाँ बजट की बात कर रहा है। मतलब कि कोई लोग 10 साल का रहे, कोई लोग 5 साल का रहे, कितने साल से खराब? नहीं जैसे सड़क जब से बनी है हाँ। हमें यहाँ 2014 दुकान के हमें अच्छा आकाश साल कुछ कम भरत रहा, लेकिन 2 साल बाद अच्छा। 16 से आप जान लो 16 से ही पानी एकदम पूरा भरत है और नाला तो है नहीं, सभी अपने अपने सामने पार चुका है सरकारी जमीन तो ओकरे बाद भैया रोड भैया रोड बैठ भी गए बार जैसा समय बीता रोड बैठ गई, और जब रोड बैठ गई है तो ओकरे बाद पानी निकलेगा जुगाड़ रहे। अब ओकरे बाद जब तक नाला गहरा ना बनाए और नाले बड़े नाले में ना मिलावा जाए टोल प्लाजा के पास, तब तक एक कोनो विकल्प ना आएगा। नाला में अभी तक पानी भरा हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? नाला भैया नहीं मर जाएगा ना। अच्छा मर जाएगा, गहरा भी है गंदगी भी है, बीमारी से मर जाएगा, बीमारी से मर जाएगा, मच्छर तमाम पैदा होते हैं गर्मी में। अभी तो मान लीजिए पुरवाई चल रही है, बस एक महीने बाद मच्छर लगने लगेंगे, एक सब सरकार का सुनेक चाहिए या टोल प्लाजा का सुनेक चाहिए। अच्छा जो जिसका ठेका है, लेकिन कोनो मतलब है ना SDM साहब यहीं कहीं आवे जाएँ, सब अधिकारी भी आते ना दिन भाई रोड। यहाँ के कुछ लोग एप्लीकेशन में डाले हैं SDM के पास, नहीं सोहाल चौराहा के पास नाला काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हुआ है। नहीं भ्रष्ट नहीं हुआ, वहाँ पे जैसे ये जो शिवानी पुस्तक भंडार है माली लोग जहाँ रहा था हुआ से पहले पानी काफ़ी वहाँ भरा रहा हाँ। लेकिन एक बार कोई SDM साहिबा रहे हैं हाँ। तो नाला तुलवा दिए हाँ। तो जो खेत है पीछे हाँ। वहीं में पानी चला जा रहा था। अच्छा तो जैसे बरसात का, तो जब बरसात के पानी चला जाता है जब यहीं आगे बाहर जगह ना तो आदमी बांध ही दे ना जहाँ गंदगी,
नाला रहना चाहिए, रास्ता रहे तभी तो आप जा पाओ, रास्ता ना कैसे जाओ आप। बस इसलिए हुआ पानी अब कम भरा था, अभी भरा है, देवड़ी रास्ता थोड़ा पूरब जाओ देखो रोड पर घास लगी है, उसमें भी पानी है, अपन उफला पर रोड पर, चाहे रात के गिर जाओ, चाहे गदारा गिर जाए, चाहे स्कूली बच्चे गिर जाए, तमाम स्कूल है, इंटर कॉलेज है, कम से कम 20-25 हज़ार आदमी डेली आवत जात है दिन भर, लेकिन यहाँ कोनो मतलब है नहीं, भरा रात वहीं जात काफ़ी औरतें को हम लड़ जाते हैं गिर जाते हैं, लेकिन हम लोग का कर सके, कुछ कर तो सके ना आम जनता, लेकिन जैसे यहाँ नाला बना बहुत जरूरी बात, रोड जो डिवाइडर तोड़े हैं कम से कम 6 इंची ऊंचा बने, पुल के पास रोड है ऊंची, अच्छा ये जो बिजली भवानी के पास है पुल है ऊंचा, तो रोड का पानी रोड रोड तो जा ना पाए, नाले के ही रास्ते के द्वारा जा सकते बड़े नाला, और कोई विकल्प तो है नहीं, अच्छा। हम ये चाहते कि अगर जल्दी बन जाए, सबका सुविधा मिले, आवागमन प्रभावित ना हो, आसानी से लोग आ जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह देख सकते हैं सड़क चौड़ीकरण, सड़क भी चौड़ी किया भी जा रहा है, और जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिवाइडर था और डिवाइडर को भी तोड़ दिया गया है, इसलिए तोड़ा गया है ताकि सड़क चौड़ी हो जाए, लोगों को परेशानियाँ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सड़क है और ये पूरा भ्रष्ट हो चुका है, ये सड़क नहीं सिर्फ नाली की बात करते हैं, नाली जिस तरह देख सकते हैं अभी तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये गंदगी पूरा जमाजम भरा हुआ है, ये गंदगी को लेकर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे आइएगा, ये नाली देखिएगा, नाली में कितना कचरा है, पन्नी है, ना जाने कितने यहाँ पर गंदगी बसे हुए हैं, इससे मलेरिया भी होगा और काफ़ी दिक्कतें होंगी, जो बच्चे इधर से जाते हैं कुछ भी हो सकता है, बाई चांस बच्चे उतर के बाथरूम भी करने आए तो हो सकता है कि अगर बाई चांस पेड़ अगर फिसल गया तो उनकी मौत हो सकती है, इसका अगर हम बात करते हैं हो सकता ये 7-6-5 फीट से कम गहरा नहीं है, 5 फीट से कम गहरा नहीं है, 4-5 फीट तो गहरा है, कोई भी अगर बच्चा गिर जाएगा तो उसकी मौत हो सकती है, अगर जब गिर जाएगा तो पता नहीं मिलेगा कि बच्चा गिरा हुआ है कि नहीं गिरा हुआ है, कैसे, क्योंकि इसके ऊपर पूरा पन्नी है, काफ़ी कचरा है, काफ़ी पत्तियां हैं, पूरा भरा हुआ है, अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ है, काफ़ी यहाँ के लोगों का कहना है जल्द से जल्द यहाँ पर सुनवाई हो ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, इस चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा और फॉलो करिएगा ताकि यहाँ पर सुनवाई हो पाए। चाचा ये सुनिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के। ये नाला को लेकर क्या कहेंगे आप, काफ़ी भ्रष्ट है? नाला तो बहुत भ्रष्ट है। अच्छा हाँ, इसकी सफाई हमें लगता है साल भर से नहीं हुई है। साल भर पानी बरसता है तो पूरे यहाँ के लोगों का कहना, काफ़ी लोगों से बात किया है, कहते हैं जब पानी बरसता है तो पूरे सड़क में भर जाता है। अरे हो जाता है, शिकार भी हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, गाँव के अंदर तालाब है, तालाब में भी जो है पूरा जलकुंभी जमी हुई है। अच्छा, और उसकी कभी सफाई नहीं होती, तो क्या कहेंगे इसको, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। यहाँ पर लोगों की सहायता से और गांव प्रधान को चाहिए कि इसकी सफाई करवाएं। अच्छा हाँ, यहाँ तो प्रधान में तो नहीं आता है, तो केंद्र सरकार में सड़क, केंद्र सरकार में ये नहीं आता है, जिसको कंप्लेन करना चाहिए लोगों को। हाँ सही है, लोगों को कंप्लेन करना चाहिए, यहाँ इससे प्रदूषण फैलता है, मच्छर फैलते हैं, बीमारी फैलेगी। अच्छा, डॉक्टर को यहाँ जाएंगे, पैसे लगेंगे, आदमी मरेंगे, इसका शिकार होंगे। डॉक्टर बहुत सही कहा है, डॉक्टर की बात करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर। डॉक्टर को लेकर जिस बात किया है, डॉक्टर के पास जो लोग जाते हैं काफ़ी लोग पैसे से ऐसे मजबूर होते हैं, कुछ लोग दवा नहीं करा पाते हैं, लेकिन ऐसे ही गंदगी रहेगी तो हमारी समस्या वो इलाज नहीं करवा पाएंगे। नहीं, डेंगू का इलाज जल्दी नहीं होता भाई, आदमी मरते हैं। हाँ, और कितने आदमी जो है डेंगू के शिकार से नहीं अभी भी जूझ रहे हैं जी। हाँ, तो जो लोग पैसे से बहुत मजबूर है, अगर उनको डेंगू हो गया इस गंदगी को लेकर, क्या वो इलाज करा पाएंगे? गरीब लोग नहीं करवा पाएंगे? नहीं, गरीब लोग तो नहीं करवा सकते, जिस तरह महंगाई इस तरह आसमान छू रहे हैं दवा के मामले में। गरीब आदमी तो अपने खाने के लिए तरस रहे हैं, तो दवाई कहाँ से कराएंगे? जिस तरह देख सकते हैं दवा को लेकर काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं, लेकिन ऐसे गंदगी रहेगी सड़क के, वो जो भी NH27 हाईवे रोड है उसके जस्ट बगल यह नाला है, और नालों को जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए, और पूरा भरा पड़ा हुआ है, इसको सुनवाई किया जाए ताकि लोगों को आसानी से आ जा सके और उन गंदगी से बच सकें, ताकि ये सब बन जाए। अगर आप चैनल पर नए चैनल को जरूर शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, ताकि ये नाला बन जाए और लोगों को परेशानियाँ ना हो। चैनल पर नए चैनल को शेयर करें।